सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सबके बीच में ओबीसी मोर्चा की राजस्थान प्रदेश की प्रभारी बनकर उपस्थित हुई हूँ। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लगातार संचालित हो रहा है और उसके तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। राजस्थान प्रदेश को 1.25 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है और सभी प्रदेशों का अलग अलग लक्ष्य के साथ इस सदस्यता अभियान में भागीदारी होगी। मुझे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी, राजस्थान प्रदेश की प्रभारी बनाया और ओबीसी मोर्चा राजस्थान में बड़ी संख्या में इस सदस्यता अभियान में भाग ले कार्यकर्ताओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार से हमें इस सदस्यता अभियान में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है इसकी जानकारी देने के लिए और लगातार सदस्यता अभियान में हर कार्यकर्ता हर रोज का जो सदस्य बनाएंगे उसका अपडेट करके ओबीसी मोर्चा में सदस्यता अभियान की भूमिका का निर्धारण करेगा। इस दृष्टि से आज की हमारी कार्यशाला जयपुर संभाग की संपन्न हुई, कल अजमेर संभाग की कार्यशाला हम संपन्न करेंगे और उसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी होंगे, संभाग के समस्त जिलाध्यक्ष। जो संगठन की संरचना हमने की है ताकि जो लक्ष्य 1.25 करोड़ का राजस्थान प्रदेश को दिया गया है उस लक्ष्य से भी ऊपर जाने के लिए जन जन तक पहुंचने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे लाभार्थी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले प्रत्येक लाभार्थी से संपर्क करने का काम कार्यकर्ता करेंगे, घर घर जाकर पार्टी की विचारधारा से जोड़कर सदस्य बनाने का काम पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और इस दृष्टि से एक अच्छी संख्या, सम्मानजनक संख्या हमारे राजस्थान प्रदेश की इस सदस्यता अभियान में आए, ऐसी कोशिश, ये प्रयास ओबीसी मोर्चा का होगा। तो मुझे खुशी है कि आज कार्यशाला जयपुर संभाग की आयोजित हुई थी, बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के अध्यक्ष, संयोजक, सह संयोजक, मंडल के अध्यक्ष उपस्थित हुए थे और सब ने मिलकर संकल्प लिया कि इस अभियान में ओबीसी मोर्चा प्रमुखता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंपलाल जी को भी बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश की जो संगठन की संरचना की है वो इस प्रकार से की है कि ओबीसी मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता सक्रियता के साथ अब काम में लगेगा, हर एक की जिम्मेदारी तय होने जा रही है। चलो चले ओबीसी के साथ, ओबीसी चले भाजपा के साथ, इस नारे के साथ हर कार्यकर्ता इस अभियान में लग रहा है और बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों से, हर समाज से, हर उस व्यक्ति से, चाहे वो रेहड़ी पटरी पर बेचने वाला छोटा व्यापारी हो, चाहे स्व सहायता समूह की बहनें हो, चाहे बाजार में बैठने वाला हमारा व्यापारी हो, हर व्यक्ति से संपर्क करके उसे पार्टी का सदस्य बनाना। और आपको यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि पूरे देश के राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम करती है और हमारी पार्टी में ही इस प्रकार हर 6 वर्ष में सदस्यों का नवीनीकरण होता है और नए सदस्य बनाए जाते हैं। देश की अन्य और राजनीतिक पार्टी में कभी इस प्रकार लोकतंत्र दिखाई देता ही नहीं, वो या तो परिवारवादी पार्टियां हैं या जातिवादी पार्टियां हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और इसीलिए हर वर्ग का समावेश, हर जाति का समावेश और जो अभियान सदस्यता का हमारा चल रहा है वो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी मंत्र के साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हर जाति का, हर वर्ग का समावेश हो, ऐसी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र पार्टी को और मजबूती देता है। हम सब अपने सदस्यता का नवीनीकरण करते हैं
और उसके साथ ही साथ नए सदस्य भी बनाते हैं। तो आज राजस्थान प्रदेश इकाई ओबीसी मोर्चा को बहुत बधाई जिन्होंने संकल्प लिया है कि इस लक्ष्य को पूरा करने में ओबीसी मोर्चा बड़ा योगदान देगा और बड़ी से बड़ी संख्या में फील्ड पर जाकर जनता के बीच में उतरकर नए सदस्य बनाने का काम करेंगे। नहीं, अभी चूंकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है कार्यक्रम, ये मोर्चों का कार्यक्रम नहीं है। सारे मोर्चे, सातों मोर्चे मिलकर सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। तो जो पार्टी ने प्रदेश का लक्ष्य तय किया है 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या ओबीसी मोर्चा अपनी भूमिका निभाएगा बनाकर। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर तो दो सबसे बड़ी ओबीसी के अंदर आने वाली जातियां हैं, एक चौथाई हिस्सा रखती है राजस्थान की जनसंख्या का, वो दोनों ही भाजपा से नाराज है। उसको किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे? जाट भी नाराज है, बुद्धे भी नाराज है। देखिए, ओबीसी मोर्चा, और मुझे लगता है कि पूरे देश की राजनीति में, देश के ओबीसी समाज को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है, और जहाँ नहीं समझ पा रहे उनको हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस देश में ओबीसी के साथ छलावा करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज़ादी के बाद लगातार इस देश का ओबीसी वर्ग छला गया। कांग्रेस की सरकारों ने षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी समाज को मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया। कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबाना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाना, हमारे राष्ट्रीय आयोग को, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाना, ये इसके स्पष्ट प्रमाण है कि ओबीसी समाज को आज इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। और हमारे ओबीसी समाज का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी पर अटूट है, और भारतीय जनता पार्टी भी देश भर के ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है, और बड़ी संख्या में ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहा है। जो नाराज है हम उनको भी मनाएंगे और अपने साथ लाकर खड़ा करेंगे। ये आपका प्रश्न है या किसी और का प्रश्न है? किसी की बात आपके मुंह से, तो अगर आपने पूछा है तो मैं आपकी बात का जवाब, अगर कोई किसी और की बात आप करते तो उनको पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर काम करती है, और हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों का हम पूरी तरह से पालन करते हैं, और इसीलिए हमारी निष्ठा संविधान के प्रति है। संविधान में जो होगा उसका पूरी तरह से हम पालन करेंगे, और इसलिए देश के हर वर्ग को हम विश्वास भी दिलाते हैं।